हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका सिन्हा कुकिंग। आज मैं लेकर आई हूँ बिहार की फेमस अनरसे की रेसिपी। तीज आने वाले हैं और तीज में ही अनरसा हर घर में बनाया जाता है। पूरे टिप्स और ट्रिक के साथ ये रेसिपी बताएंगे जिससे अनरसे परफेक्ट बनेंगे। तो आप मेरी वीडियो पूरी देखिए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 कप चावल लिए हैं, अरवा चावल है, मोटा दाना वाला। चावल को धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं। इसे हम 12 घंटा के लिए भिंगो दिए हैं। पानी को छान लिए हैं, तौलिया पे फैला देंगे ड्राई होने के लिए। 1 घंटा के लिए पंखा के नीचे रखेंगे। हम सिर्फ पानी को ही ड्राई करेंगे, चावल को सॉफ्ट ही रखेंगे। अब हम इसका आटा तैयार कर लेंगे। पूरा चावल का हम आटा तैयार कर लिए हैं। मेरा आटा तैयार है। अब हम आगे का काम करेंगे। 1 कढ़ाई लिए हैं, 1 कटोरी चीनी लिए हैं, 1 कटोरी लगभग पानी लिए हैं। अब हम इसका चाशनी बनाएंगे। चिपचिपा चाशनी नहीं बनाना है, चाशनी तैयार है। अब इसमें चावल का आटा ऐड करेंगे। चावल का आटा को हम छान लिए थे, कभी कभी दाना रह जाता है चावल का। लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे, मिक्स करते हुए, गुठली ना रहे। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, अंदर जले नहीं। लगभग 2 से 4 मिनट इसे हम चलाते हुए पकाए हैं लो फ्लेम पे। अभी हो गया, इसे हम कढ़ाई में ही ठंडा कर लेंगे। हम 1 बर्तन में इसे निकाल लिए हैं। ऊपर से 1 चम्मच घी का ग्रीस कर देंगे। इसको हमको 12 घंटा के लिए रखना है ढककर, कि ऊपर से आटा सूखे नहीं, इसलिए हम घी का ग्रीस कर रहे हैं। अब हम ढक के रख देते हैं इसे। 12 घंटा हो गया है। आटा को स्टोर करके भी रख सकते हैं 4 से 5 दिन तक के लिए। आप इसे गर्म बनाकर भी खा सकते हैं जब भी मन चाहे। चावल का आटा जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसे हम अच्छी तरह से गूंथेंगे, पूरा मसल मसल कर सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। हम मावा अनरसा बना रहे हैं। मावा लिए हैं, उसे हम ग्रेट कर लिए हैं। उसमें 1 बड़ा चम्मच पीसी हुई चीनी ऐड करेंगे। कुटी हुई इलायची के दाने डालेंगे। हम सभी को मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच तिल लेंगे। इसे आटा में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे तिल का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अनरसा बनाने के लिए हम पहले लोई बना लेंगे, स्टफिंग को भरेंगे। इस तरह से हम भरेंगे। इसी तरह से हमें लोई बनाना है, अनरसा फटे नहीं तलने वक्त। अच्छा से बनाना है। हम सभी लोई को बना लेते हैं। एक लोई और बनाकर दिखाते हैं। हम सभी लोई बना लिए हैं। इसी तरह से बनाना है। ऐसे करने से परफेक्ट अनरसा बनेगा। अब हम एक तरफ तिल लगा देंगे, तिल एक ही तरफ लगाएंगे। सभी में हम तिल लगा देते हैं इसे।
दबा दबा कर अच्छी तरह से, फ्राई करते समय भी तिल बाहर नहीं होगा। एक हम पैन लेंगे, इसमें तेल ऐड करेंगे, रिफाइंड ऑयल लिए हैं, तेल मीडियम गरम लेंगे। अब हम फ्राई करेंगे, एक एक करके ऐड करेंगे। तिल लगा हुआ भाग ऊपर रखेंगे, इन अरसा को तेल में हम पूरा डुबाए नहीं हैं, तेल थोड़ा कम ही डाले हैं। इसी तरह से इन अरसा बनता है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल ऐड करेंगे। इस तरह से ऐड करने से इन अरसा फूला फूला बनेगा। इन अरसा फूलता है तभी अच्छा इन अरसा लगता है खाने में। एक ही तरफ इन अरसा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए हो गया है, बहुत अच्छा इन अरसा बना है, एकदम मार्केट जैसी इन अरसा बनी है। परफेक्ट इन अरसा बना है। इसे तलने में ज़्यादा समय नहीं लगा है, लगभग 4 से 5 मिनट। सभी को इसी तरह से हम तल लिए हैं। अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। मेरा इन अरसा का वीडियो कैसा लगा ज़रूर ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा बना है। देखिए एकदम सॉफ्ट इन अरसा बना है, बहुत ही बढ़िया, थोड़ा हार्ड भी नहीं है। थैंक यू।